अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो मेरी उन बहनों के लिए है जो बहुत अच्छा यूट्यूबर बनना चाहती हैं, यानी एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बनना चाहती हैं, और उन बहनों के लिए जो स्टार्ट करना चाह रही हैं और उनको समझ नहीं आ रही, स्पेशली उन बहनों के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दूँगी टिप्स यूट्यूब चैनल की बनाने की, वीडियो बनाने की। तो मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वक्त टेबल पे आपको जो इतनी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं उनमें से आपके काम का सिर्फ ये ट्राइपॉड है और आपका फ़ोन है। ये दो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, और आपको लाइटिंग किस किस्म की चाहिए होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। ट्राईपॉड तो आपको मिल जाएगा 800-1000 का, ये वाला ट्राईपॉड आपको इजीली मिल जाएगा। फ़ोन हर बंदी के पास आजकल अच्छे वाला ही फ़ोन होता है। लाइट के बारे में मैं आपको आगे चल के बता दूंगी, क्योंकि मैंने भी जैसे आपको ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने जैसे आपको अपनी पहली वीडियो में बताया है कि मैंने सिर्फ, बल्कि ट्राईपॉड भी मेरे पास बहुत बाद में आया था, तो मैंने किस तरह से काम स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तो आप लोग ये ट्राईपॉड ख़रीद सकते हैं। तो आप ये ट्राईपॉड रखें, एक फ़ोन जो आपके पास हर वक्त होता है, लाइट रखें, तो आपकी वीडियो आसानी से बन सकती है। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि जो लड़कियाँ स्टिचिंग का काम करना चाहती हैं, यानी स्टिचिंग की वो बनाना चाह रही हैं वीडियोस, तो उनके लिए अगर तो टेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ज़मीन पर भी काम कर सकते हैं। ज़मीन पर भी आप बहुत अच्छी वीडियो बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जो मेरा सेटअप है, मैंने एक रखा हुआ है टेबल, ये टेबल काफ़ी बड़ा है क्योंकि मुझे बड़ा काम भी करना होता है। साथ मैंने अपना ये जो आपको नज़र आ रहा है ट्राईपॉड सेट किया है, इसके ऊपर फ़ोन रखा है, किस एंगल से रखा है। अब ये ट्राईपॉड मैं आपको बताऊं तो 3 फुट ऊंचा है इस टेबल से ये 3 फुट ऊंचा है, तभी मेरा ये शूट अच्छा होता है। यहाँ पे आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका जो एंगल है या आपका कैमरा कहाँ सब चीज़ों को शो कर रहा है। उसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे देखें तो नीचे मैंने एक फिर भी एक तख्त पोश रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं ट्राईपॉड रखती हूँ, देन मैं ऊपर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, तब जाके मेरा ये एक जो फ्रेम है वो काफ़ी अच्छा सेट होता है जाके। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने फ्रेम सेट किया है, फ्रेम सेट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप फ़ोन पर वीडियो बना रहे हैं, चाहे आप कैमरे में बना रही हैं, तो फ्रेमिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ फ़ोन पे ये देखें नज़र आ रहा होगा कि मेरा फ्रेम टेबल के लिहाज से कितना परफेक्ट है। अब यहाँ पे ये है कि आपने कभी भी जूम करके वीडियो नहीं बनानी, वरना आपकी क्वालिटी बहुत ज़ीरो आएगी। उसके अलावा जो आप ये है कि अपने मोबाइल को कैसे एंगल सेट करेंगी, वो ट्राईपॉड में ऑप्शन होते हैं, आप उसको नीचे करें, ऊपर करें, थोड़ा सा जहाँ, बस फ्रेमिंग सेट करनी है आपको आगे, तो आपकी वीडियो परफेक्ट बनेगी, सिर्फ उस लिहाज से बनेगी जो चीज़ आप लाना चाहते हैं। ट्राईपॉड की सेटिंग आपको समझ आ चुकी है, बहुत इजी मेथड है। ट्राईपॉड का हमेशा आपने ये ध्यान रखना है कि जहां आप काम करें, चाहे आप नीचे करें, चाहे आप टेबल पे करें, तो आपने 3 से 4 फुट ट्राईपॉड को ऊपर रखना है। अगर आपको मज़ीद बड़ा फ्रेम चाहिए, बड़ा काम करें, तो आप ट्राईपॉड को मज़ीद ऊपर रख सकते हैं, नीचे कोई भी बैलेंस के लिए चीज़ रख लें, ट्राईपॉड उसके ऊपर रखें, 3-4 फुट मैक्सिमम आपको ऊपर रखना है, तभी आपका फ्रेम होता है बेस्ट। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है सेटिंग की, वो आती है लाइटिंग। लाइटिंग बहुत मैटर करती हैं आपके काम में। तो लाइटिंग का क्या तरीका है, जैसे मैं आपको छोटा सा एक मतलब एग्जांपल देती हूँ कि अगर ये आपका टेबल है स्टिचिंग का, ये आपका टेबल है स्टिचिंग का, आप यहाँ पे स्टिचिंग सिखा रही हैं, तो अब आपको यहाँ पे लाइटिंग की जो ज़रूरत है वो क्या है, यहाँ पे आपका कैमरा लगा हुआ है, ये आपका कैमरा, एक लाइट आपकी इधर होनी चाहिए, तो आप अगर आपने सिर्फ इस साइड पे लाइट रखी है तो आपका शेडो पड़ेगा, जबकि हमें ये शेडो ख़त्म करने के लिए एक लाइट को यहाँ मैनेज करना होता है। इसमें क्या, अब ये लाइट्स इतनी करीब नहीं होनी चाहिए, कम से कम 6 से 8 फुट ये लाइट्स आपकी दूर होनी चाहिए काम से, और अगर ये 2 लाइट्स आपकी ज़रूरी हैं, अगर फिर भी कहीं ज़रूरत पड़ी है तो आपको एक लाइट यहाँ पे भी मैनेज करनी है। इससे ये होगा कि जब तीनों तरफ से लाइट्स पड़ेंगी तो आपका वर्क ठीक रहेगा,
एक लाइट आपको यहाँ पे मैनेज करनी है, नहीं तो यहाँ काम के बिल्कुल ऊपर मैनेज करनी है, यानी काम के ऊपर होनी चाहिए लाइट को। वो कैसे एडजस्ट होगा, जाहिर सी बात है जब आपके पास एक पूरा स्टूडियो होगा आपको तब समझ आएगी, ये तो ड्रॉ करके है। लाइटिंग का काम अब क्या होता है बेसिकली कि आपकी लाइट्स, अब ये नहीं कि यहाँ पे भी लगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी लगे, आप उनको जितना डार्क कर लें कर लें, नहीं, लाइट्स को हमेशा मैनेज करना पड़ता है। बहुत तेज़ लाइट्स ज़रूरी नहीं होती हैं। ये जो तीन किस्म की लाइट्स लगी होती हैं ये आपकी चीज़ों को इन्हेंस करती हैं, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि आप इतनी ब्राइटनेस ले आएँ कि आपकी चीज़ें इन्हेंस होने के बजाय उल्टा और वो बिल्कुल नज़र ही ना आए। बात हो रही है यहाँ पे लाइट को एडजस्ट करने की, तो मोबाइल पे जो लोग वीडियो बनाते हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। अभी आपको जैसे ये यहाँ पे फैब्रिक नज़र आ रहा है कि फैब्रिक, अब आपने जिस चीज़ को देखें टेबल पर एक स्टिल चीज़ रखनी है उस पर आपने एडजस्ट करना है लाइट। ये अब आप देखें कि इसमें भी ऑप्शन आती है, आप यहाँ से अब ये देखें ये फुल ब्राइटनेस में अगर आप करेंगे तो आपका बिल्कुल डल हो गया, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ से अगर आप बिल्कुल नीचे चले जाते हैं तो ये ब्लैक हो गया। अगर हम इसको एडजस्ट करते हैं तो ये हमारा, अब ये चीज़ हमारी प्रोमिनेंट हो रही है, कपड़े के कलर्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं। ये चीज़ें आपने बड़ी ध्यान में रखनी है। कमरे में तो आपकी लाइट्स होंगी होंगी, लेकिन आपने अपने मोबाइल की लाइट से भी बड़ा मैनेज करना है। और कमरे की लाइट्स को भी बहुत ब्राइटनेस की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मल आप ये जो एनर्जी सेवर होते हैं यही चाहे अभी यूज़ कर लें, स्टार्टर यहीं से ले लें। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा स्टार्टर यही था तो यही आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज करके आपने लाइट्स नहीं लगानी। बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों को अगर डार्क कर मतलब ब्राइटनेस की तरफ लेकर जाएंगे तो आपकी चीज़ें, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने वीडियो को जूम करके कभी भी नहीं चलना कि हम जूम कर लेते हैं तो हमारी चीज़ प्रोमिनेंट हो जाएगी, नहीं, आपने कभी वीडियो को जूम करके नहीं बनाना। लाइटिंग का ख़ास ख्याल रखना है, हर चीज़ की छोटी छोटी चीज़ों का जब आप ख्याल रखेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो बड़ी ही अच्छी क्वालिटी में बनेगी। अच्छा जी, जो लोग कुकिंग का चैनल चला रहे हैं यानी कुकिंग पर काम कर रहे हैं, मेकअप ट्यूटोरियल करते हैं या व्लॉगिंग करते हैं, उनके लिए बेस्ट लाइट अगर बताऊं मैं आपको तो वो है रिंग लाइट। अब जैसे स्टिचिंग के चैनल पे जो लोग स्टिचिंग का काम कर रहे हैं वहाँ के लिए अगर आप रिंग लाइट चूज़ करेंगे तो वो फिर बड़े इंचज में आपको बड़े साइज़ की रिंग लाइट यूज़ करनी पड़ेगी, वरना छोटे साइज़ का स्टिचिंग के चैनल पर कोई काम नहीं। छोटे साइज़ की जो रिंग लाइट है वो कुकिंग पे, व्लॉगिंग पे या आपके मेकअप ट्यूटोरियल में या कोई भी छोटी मोटी ऐसी वैसी टिप्स जो स्टिल एक जगह पर रह कर करने वाली है वहाँ पे आप छोटे साइज़ की रिंग लाइट यूज़ कर सकते हैं। तो चलें कुकिंग के हवाले से भी थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। अच्छा जी, जो लोग कुकिंग का चैनल चला रहे हैं, कुकिंग के चैनल पर काम कर रहे हैं, उनके लिए जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि आप कुकिंग का जो काम कर रहे हैं कोशिश करें कि उसका फ्रेम आप इतना ऊपर से लें, इतना इस तरह का फ्रेम आप लें ताकि आपकी नीचे वाली जो चीज़ें हैं वो सारी प्रोमिनेंट हो सकें। फ्रेम आपका जब ये बनेगा तो नीचे का आपका सारा मटेरियल प्रोमिनेंट होगा, वीडियो आपकी अच्छी शूट होगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि फ़ोन हाथ में पकड़ लेते हैं, हिलता भी रहता है, साइड से आपकी फुटेज हो रही होती है, मतलब आपकी वीडियो बन रही होती है, कभी उस साइड से बन रही होती है, कभी इस साइड से बन रही होती है। तो बेहतर ये है कि आप अपना, मतलब इस मेरे ट्राईपॉड का ज़रा एंगल आप देख लें कि मैंने ट्राईपॉड को किस तरह से रखा हुआ है। ये टेढ़ा सा है, पीछे जो ट्राईपॉड की पीछे वाली जो लेग है उसको मैंने फुल खोल दिया है, वज़न रख दिया ताकि फ़ोन की वजह से ट्राईपॉड गिरे ना। ये मैंने फुल यूँ आगे झुका के रखा हुआ है, इसके ऊपर जो मैंने फ़ोन सेट किया हुआ है और फ़ोन का जो फ्रेम नीचे आ रहा है वो भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कितना अच्छा फ्रेम सेट होता है। इस तरह सारे फ्रेम भी नहीं इस तरह से बनते, कुछ हमें किसी और एंगल से भी बनाने लगते हैं। और फिर एक और मिस्टेक जो बिल्कुल फ़ोन यहाँ पे रख के जो लोग अपना शूट कर रहे होते हैं उनकी भी वीडियो की क्वालिटी वो नहीं होती जो इतने गैप पर होती है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात कि जो लोग कुकिंग के लिए रिंग लाइट यूज़ करते हैं वो रिंग लाइट को कभी भी साइड्स पर मत यूज़ करें। रिंग लाइट को हमेशा आपने ऊपर यूज़ करना है, उसको ऊपर यूज़ करके ऐसे आगे की तरफ झुकाओ उसका करना है। और रिंग लाइट के अंदर आपको पता है रॉड होता है, ऑप्शन होता है कि आप अपने फ़ोन को वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फ़ोन को आपने बीच में एडजस्ट करना है और आगे पीछे आपका वो रिंग लाइट
काम करेगी। रिंग लाइट अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो फिर नीचे का आपने ध्यान रखना है कि नीचे की जो आपका चीज़ है यानी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो जगह आपकी मैट होनी चाहिए। मैट से मुराद की कोई भी नीचे ऐसी शीट नहीं होनी चाहिए जो चमक रही हो, जिसमें चीज़ें मतलब ब्लिंक कर रही हों। जैसे अब आप देखिएगा कि मैं यहाँ पर एक लाइट लगा रही हूँ तो ये नीचे उसका शेड आ रहा है, आपकी पूरी रिंग लाइट वहाँ पे आएगी और सबका ध्यान उस रिंग लाइट पे होगा, आपके वर्क पर नहीं जा सकेगा। कोशिश करें इन चीज़ों का ध्यान रखें, नीचे मैट में आपके टेक्सचर होने चाहिए जो भी चीज़ आप नीचे दिखा रहे हैं, तो फिर रिंग लाइट का फ़ायदा है। अदरवाइज आपकी रिंग लाइट ये काम करेगी और आपकी वीडियो क्वालिटी को ख़राब करेगी। अच्छा जी, यहाँ तक तो उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ों की समझ आ गई होगी और बस यही चीज़ें हैं कि काफ़ी ध्यान रखा करें आप अपनी वीडियो क्वालिटी देने के लिए। लाइटिंग का, ट्राईपॉड, फ़ोन की सेटिंग लाजमी सीख लें, फ़ोन पर भी बहुत सारी सेटिंग हो सकती है, आप इन चीज़ों को भी मैनेज करें तो आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है। तो अभी तक की जो चीज़ें हैं वो आप समझ लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको साथ साथ कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं वो सब चीज़ें भी बताऊंगी। अभी तो बेशुमार बातें हैं जो आपके साथ करनी हैं, इंशाल्लाह आराम आराम से ये सारी बातें भी होंगी। अभी दें मुझे इजाज़त। ओके जी, खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।